हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो बच्चों, आज हम बुक रीडिंग करेंगे। क्या करेंगे? बुक रीडिंग। चलो अब ये बताओ मुझे, ये कौन सा वर्ण है? क। क से कबूतर, क से कछुआ, क से कमल। अब हम आएंगे ख। क के बाद क्या आता है? ख। ख से खरगोश, ख से खरबूजा, ख से खटमल। और इसे क्या कहते हैं? ग। ग से गधा, ग से गठरी, ग से गमला। और ये क्या है? घ। घ से घर, घ से घड़ा, घ से घड़ी। और ये क्या है? अड़ खाली। अच्छा ये बताओ, इसे हम खाली क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, इसीलिए ये हमेशा खाली होता है। तो बोलो, क ख ग घ ड। फिर से, क ख ग घ ड। अब इसके बाद आगे करेंगे, व्हाट इज दिस? च। च से चरखा, च से चप्पल, च से चम्मच। और ये क्या है? छ। छ से छड़ी, छ से छतरी, छ से छत। आपके घर की भी है ना छत? हाँ। और आगे ज। ज से जग, ज से जहाज, ज से जाला। और ये क्या है? झ। झ से झरना। हमें झरना कहाँ देखने को मिलता है? पहाड़ों में, है ना? और फिर उसी झरने से क्या बन जाती है? नदी। झ से झाड़ू, झ से झंडा। और ये क्या है? ञ खाली। इसे खाली क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे भी कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसीलिए ये हमेशा खाली होता है। तो अब हम इसको स्टार्टिंग से रीड करेंगे। च छ ज झ ञ। च छ ज झ ञ। स्टार्टिंग से रीड करेंगे। क ख ग घ ड। च छ ज झ ञ। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि बुक रीडिंग किस तरह करनी है। तो मुझे भी आपसे यही रिस्पॉन्स चाहिए। ओके, बाय।